बी आर चोपड़ा की फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू होने को थी इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला लीड रोल्स कर रहे थे बताया जाता है कि उन दिनों ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व थे हर फिल्म का एक शेड्यूल मध्य प्रदेश में शूट होना था मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया था उनकी चिंता ये थी कि आउटडोर शूट पर इन दोनों की नजदीकियां बढ़ेंगी अगर प्रोड्यूसर और एक्टर के संदर्भ में देखें तो ये ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट था इस बात से नाराज होकर बी आर चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ कोर्ट ने मधुबाला के खिलाफ बयान दे दिया, दिया। मधुबाला तो उन्हें जेल जाना पड़ता इसलिए लास्ट मोमेंट में बी आर चोपड़ा ने ये केस ड्रॉप कर दिया इस केस का रुख बी आर चोपड़ा की तरफ मोड़ने का क्रेडिट जाता है सॉलिसिटर सरदारी लाल सभरवाल को लेकिन इनका जिक्र राजा हिंदुस्तानी की कॉपी में और इस वीडियो में क्यों बताते हैं कनेक्शन अभी स्थापित कर देते हैं आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप दी लल्लन टॉप का नया यूट्यूब चैनल है सिनेमा प्रेमियों के लिए लल्लन टॉप सिनेमा सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन भी दबाएं अब हम आगे बढ़ते हैं आप देख रहे हैं बॉलीवुड किससे सरदारी लाल वो शख्स थे जिन्होंने 1948 में बनी पहली पाकिस्तानी फीचर फिल्म तेरी याद को प्रोड्यूस किया था इस फिल्म में दिलीप कुमार के भाई नासिर खान ने काम किया था 1955 में सरदारी लाल फैमिली के साथ हिंदुस्तान चले आए उनके बेटे दर्शन सबरवाल ने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया कई फिल्में प्रोड्यूस करने के बाद दर्शन ने उन्नीस में अपनी पहली फिल्म कहीं दिन कहीं रात डायरेक्ट की पिक्चर पिट गई इसके बाद दर्शन ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया उन्होंने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था इसमें अमिताभ की जंजीर समेत दर्जनों फिल्में शामिल थी जब दर्शन की उम्र बढ़ गई तो फैमिली के फिल्मी बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई उनके दोनों बेटों सुनील और धर्मेश दर्शन ने नब्बे के दशक में हिंदी सिनेमा में कई नए फिल्म मेकर्स ने दस्तक दी इसमें आदित्य चोपड़ा सूरज प्रजातिया करण जौहर जैसे तमाम नाम शामिल हैं इन सब लोगों ने अपना करियर तोड़फोड़ स्टाइल में शुरू किया था इसी समय धर्मेश धर्मेश दर्शन ने भी अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू शुरू किया 1993 में मात्र 24 साल के थे उन्होंने सनी देओल और जूही चावला को लेकर लुटेरे नाम की फिल्म बना दी लेकिन इतनी हिट भी नहीं रही कि उनकी गिनती यहां गिनाए गए फिल्म मेकर्स के साथ की जाए लुटेरे के बाद धर्मेश ने अपनी दूसरी फिल्म पर काम शुरू किया इसकी स्टोरी भी उन्होंने खुद लिखी जो कि उन्नीस में आई शशि कपूर और नंदा स्टारर

फिल्मों के बीच झूल रहे थे तो डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस देखकर वो इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए अब फिल्म के लिए लीडिंग लेडी की तलाश शुरू हुई लुटेरे में धर्मेश जूही चावला के साथ काम कर चुके थे इसीलिए उन्होंने फिर से जूही को अप्रोच किया मगर जूही और आमिर के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा था इसलिए जूही ने फिल्म करने से इनकार कर दिया हालांकि बाद में उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ और अफसोस भी हुआ गुलाब गैंग की रिलीज से पहले दिए एक इंटरव्यू में जूही ने बताया था कि तब वो अपने करियर के टॉप पर थी उन्हें लगता था कि उनके बिना इंडस्ट्री नहीं चलेगी धर्मेश की फिल्म छोड़ने को उन्होंने अपनी स्ली मिस्टेक करार दे दिया इसके बाद राय को कॉन्टैक्ट किया गया मगर ऐश्वर्या शॉर्ट नहीं थी कि उन्हें फिल्म में आना चाहिए या नहीं फाइनली करिश्मा कपूर से बातचीत शुरू हुई करिश्मा ने कुछ सालों पहले ही अपना करियर शुरू किया था उनके खाते में कुछ एक सफल फिल्में तो थी मगर उन फिल्मों में उनके करने के लिए कुछ खास नहीं था मतलब उन्हें एक्टिंग के मामले में खुद को साबित करना भी बाकी था वो इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए जिस फिल्म की तैयारी कर रही थी उसे राजा हिंदुस्तानी के नाम से बुलाया गया। जब भी राजा हिंदुस्तानी की बात होती है गानों के बाद सीधे किसिंग सीन का जिक्र हो जाता है कहा जाता है ये हिंदी सिनेमा का सबसे लंबा किसिंग सीन है था मगर इस सीन को फिल्माने में

मगर वो इस सीन को फूहड़ नहीं बनाना चाहते थे जब आप ये सीन देखेंगे तो आपको इसमें कोई ड्रामा या म्यूजिकल बिल्डअप ये कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ बैकग्राउंड में संगीत बजता हुआ सुनाई देगा जो संगीत आपको नेपथ्य में बजता सुनाई देता है वो तुम दिल की धड़कन में रहते हो गाने की धुन है बाद में जब धर्मेश ने धड़कन नाम की फिल्म बनाई तो इस ट्यून को फिल्म के टाइटल ट्रैक में इस्तेमाल भी किया अब आते हैं इस सीन की मेकिंग पर अपनी वेब सीरीज मेंटल हुड के प्रमोशन के दौरान करिश्मा कपूर ने राजीव मसंद को एक इंटरव्यू दिया लोग उस फिल्म के किसिंग सीन की बात करते हैं लेकिन क्या बताऊं कि तीन दिन में उस सीन को शूट करने के दौरान हमें क्या क्या झेलना पड़ा फरवरी के महीने में हम ऊटी में इस सीन को शूट कर रहे थे हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि कब खत्म होगा ये सीन वहां भयानक ठंड थी ऐसे में हम स्टॉम फैन के सामने खड़े जमा देने वाली ठंडी पानी में भीग रहे थे इतने मुश्किल हालात में भी हमें सुबह सात बजे से लेकर शाम के छह बजे तक शूट करना पड़ता था कमाल की बात यह कि इस सीन को शूट करने में तीन दिन का समय लगा था कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि आमिर खान को इस सीन को इसके सीन फिल्माने के लिए सैतालीस रीटेक्स देने पड़े थे मगर इस त्रिविया की फिल्म से जुड़े किसी भी शख्स ने आज तक पुष्टि नहीं की है ना ही किसी ने इस बात का खंडन किया है अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो करिश्मा अपने इंटरव्यू में इसका जिक्र जरूर करती जब राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग पूरी हुई तो फिल्म का फर्स्ट कट चार घंटे से ज्यादा लंबा था जाहिर तौर पर इतनी लंबी फिल्म को कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या एग्जीबिटर खरीदना नहीं चाहेगा फिल्म की छटाई शुरू हुई मगर एडिटिंग के चक्कर में फिल्म से आमिर खान का सबसे तगड़ा सीन कट गया अपने एक इंटरव्यू में धर्मेश दर्शन बताते हैं कि एक सीन था जिसमें आमिर का किरदार राजा आरती के घर में घुस जाता है मगर उस वक्त घर पर कोई नहीं होता ऐसे में राजा आरती के कमरे में जाता है वो वहां अपने बच्चे की चीजें देखकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि आरती ने ये सारी चीजें उससे छुपा कर दी उसके बच्चे को उससे दूर रखा इसके बाद वो वहाँ बैठ कर फूट फूट कर रोता है धर्मेल बताते हैं कि इस सीन में आमिर ने जो किया वो कोई देख नहीं पाया फिल्म के डायरेक्टर होने के नाते इस सीन में उन्हें आमिर खान के भीतर का एक्टर नजर आया उस एक्टर की रेंज दिखाई दी मार्केट की डिमांड के मुताबिक इसके साथ कई और सीन फिल्म से काट कर अलग करने पड़े जब धर्मेश ने आमिर को इस सीन के काटने की बात बताई कटने की बात बताई तो वो बड़े निराश हुए क्योंकि उन्होंने बड़े मन से इस सीन में परफॉर्म किया था मगर मसला ये था कि आमिर ने कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए फिल्म साइन की थी इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उसके बीच में कोई भी चीज आ जाए आमिर खान फेयर में सात बार बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके थे मगर उन्हें यह अवार्ड कभी नहीं मिला था उन्नीस में वो ये अवार्ड जीतने के लिए मतलब काफी करीब पहुंच गए थे मगर फिल्म फेयर की जूरी ने रंगीला में आमिर की परफॉर्मेंस के ऊपर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख को तरजीह दी इस घटना से आमिर इतने दुखी हुए कि उन्होंने अवार्ड शोज में जाना ही छोड़ दिया फाइनली 97 में राजा हिंदुस्तानी के लिए आमिर को उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इस साल शाहरुख खान की कोई फिल्म इस कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं हुई थी आगे आमिर ने लगान के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता फिल्म रंग बसंती के लिए उन्हें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया मगर आमिर ने कभी किसी शो में जाकर यह अवार्ड नहीं दिया राजा हिंदुस्तानी की सफलता में फिल्म की म्यूजिक बड़ा हाथ था इस फिल्म का म्यूजिक क्रिएट किया था नदीम और श्रवण की ब्लॉकबस्टर जोरी ने कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया से लेकर आए हो मेरी जिंदगी में और परदेसी परदेसी साबित हुए होता है कि पब्लिक फिल्म देखे या ना देखे मगर फिल्म के गाने उन तक अलग अलग माध्यमों से तो पहुंच ही जाते हैं इसलिए फिल्म मेकर्स ऐसा म्यूजिक चाहते हैं जिसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा हो यानी कि इतना मेन स्ट्रीम हो कि उसे हर तबके का शख्स समझ जाए और इंजॉय कर सके यह चीज राजा हिंदुस्तानी के फेवर में काम कर गई प्रेम में पड़े लोग कितना प्यारा तुझे गुनगुनाने लगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को परदेसी परदेसी जैसा एंथम मिल गया दिल जले इश्क में नाच नाच कर बेहाल हो गए इसका नतीजा ये रहा कि राजा हिंदुस्तानी साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम साबित हुआ उदित नारायण को परदेसी परदेसी के लिए उनके करियर का तीसरा फिल्म फेयर बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला और ये किस्सा ये किस्से है आपके लिए लिखे हमारे साथी ही श्वेतांक ने अब देखते रहे दी ललन टॉप ललन टॉप सिनेमा हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें मैं खुशनाली शुक्रिया